नतीजों के बीच आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान सामने आया जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे, फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है। देखिए, ये बहुत बड़ा है और ये जीत भी बड़ी है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ वो विजयी हुआ जम्मू कश्मीर चुनावों में, और अब जम्मू कश्मीर के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो उमर अब्दुल्ला होंगे, फारूक अब्दुल्ला के बेटे। फारूक अब्दुल्ला ने खुद ऐलान किया है इसका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है और सरकार बनाने की जो कोशिशें होंगी वो आगे बढ़ेंगी। क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, सुनाते हैं आपको। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है, लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे वो लोगों को मंजूर नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये जीत मिली है? हमें एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दीजिए, काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने, यहाँ पे जो बेगारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है, जो ड्रग मैनेस है जो इस रास्ते खा रहा है उस ड्रग मैनेस को खत्म करना है, उसके लिए हमने कायम करने हैं वो सेंटर्स। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, क्योंकि हरियाणा की जहां बात करें तो 90 में से 48 पर बीजेपी आगे साफ तौर पर नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 36 जाती नजर आ रही है। जेजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है, जबकि आईएनएलडी के खाते में 2 और आम आदमी पार्टी भी का भी खाता नहीं खुल पाया है, जबकि अन्य के खाते में 4। फिलहाल रुझानों के मुताबिक इस वक्त के हरियाणा के ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो आगे कर रहा है, आगे सरकार बनाते हुए दिख रहा है। 49 सीटों पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी 27 सीटों पर, पीडीपी 4 और अदर्स के जो अन्य के खाते में है वो 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो 90 सीटों का इस वक्त हाल है, जो ट्रेंड है वो सामने आ चुका है। और इस बीच नतीजों के ही बीच बीजेपी से इस वक्त का सबसे बड़ा और लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, क्योंकि सीएम सैनी की अमित शाह से हुई बातचीत को लेकर खबर बड़ी है। आपको बता दें सीएम सैनी की जेपी नड्डा से भी बातचीत हुई है और खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक जिस तरीके से हो रही है, हमारे सहयोगी इस बैठक पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि खट्टर के घर पर पिछले 1.5 घंटे से जारी बैठक को देखते हुए खबर बड़ी है कि आखिर किस तरीके से इस वक्त हरियाणा चुनाव के रुझान सामने, नतीजों के बीच बीजेपी से ये इस वक्त का अपडेट है, जहां सीएम सैनी की अमित शाह से बात और सीएम सैनी की थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा के साथ हुई बात और साथ ही खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान की हो रही बैठक को लेकर इस वक्त की खबर। और आपको बता दें कि नतीजों पर प्रियंका चतुर्वेदी का बहुत बड़ा बयान आ गया, कांग्रेस रणनीति पर विचार करे अपनी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है बीजेपी के साथ, जब सीधी लड़ाई होती है बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस इस बार हरियाणा में कमजोर पड़ गई। इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, तो क्यों है रीवर्क द एंटायर अलायंस, ऐसा कोई मैं मानती हूँ कि अभी नतीजे जब आएंगे तो फाइनली पता चलेगा, बट अगर जीतते हैं तो उनको बधाई है, बधाई के पात्र भी बनते हैं कि डिस्पाइट एंटी इनकम्बेंसी दे डन वेल। तो सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर आखिर हो क्यों जाती है, एक्सपर्ट से इसको लेकर करें सवाल। उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर और सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जम्मू से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय पर जश्न का दौर लगातार जारी है। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी वहां से लगातार हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए उनकी रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफिस हेडक्वार्टर जम्मू में और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं विक्ट्री के साइन के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आज नतीजे आए हैं और इन नतीजों से साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए मिठाइयाँ और यहाँ पर ढोल नगाड़े जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है। 10 साल ये मौका बाद आया है, मौका बहुत ही जबरदस्त, और ये जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया उनका
कल जनता ने जवाब दिया, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन रही है उसके प्रोफेशनल प्रेसिडेंट जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। खुशी है, आज आपका दिन है, सरकार बनाने जा रहे हैं आपको। ये लोगों की सरकार है, सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सड़ी बैठी मुझी की हो रही है, ये आज डॉक्टर फारूक साहब की, उमर साहब की और नेशनल देखिए किस तरीके से यहाँ पर आप पटाखे जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। दो लकड़े यहाँ पर बच चुके हैं। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये देखिए महिलाएं किस तरीके से नाचती गाती हुई नजर आ रही है, तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर है। ये देखिए महिलाएं किस तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे, कितने खुशियां। हाँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं पूंछ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अजाज जान को भारी बहुमत से जगाया और जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हम पे विश्वास किया। और आपको बता दें लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जश्न मनना शुरू हो चुका है। जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। जम्मू कश्मीर की श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीडीपी उम्मीदवार इल्तजा मुफ्ती चुनाव हार गई हैं। हार के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आई एम मुफ्ती साहब्स ग्रैंड डॉटर, मैं उस शख्स की पोती हूँ जिनने पूरी अपनी लाइफ में इलेक्शंस इतने हारे, फिर भी उनने जद्दोजहद करके जम्मू कश्मीर की आवाम को एक फीजिबल अल्टरनेटिव दिया जो पीडीपी है। वी आर डाउन बट वी आर नॉट आउट। मैं यहाँ महबूबा जी के साथ ही नहीं, हमारे वर्कर्स के साथ मैं खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी। देखिए बिजबेहाड़ा की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा पीडीपी को तोड़ा गया, दिल्ली की मरकजी सरकार ने जैसे हमारी पार्टी को डिसमेंटल किया, हमारे मिनिस्टर्स मेंबर पार्लियामेंट, उसका कहीं ना कहीं ग्राउंड पे असर आता है क्योंकि जब आपका एक लीडर निकलता है तो साथ में कैडर भी जाता है। बट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीट थोड़ी टफ है बिकॉज इस बार वीरी साहब ने वहां बहुत अच्छा काम किया लेकिन उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बट दिस इज अ डेमोक्रेसी। मैंने पहले भी कहा मैं यहाँ लोगों के सर पे सवार आने तो आई नहीं हूँ, इतना जूनो जूनो किया, सीट हार गई, बट आई एम अ फाइटर। अब श्रीनगर में जारी जश्न की तस्वीर भी देखिए, संवाददाता इरफान कुरैशी की फारूक अब्दुल्ला के घर से ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता और सपोर्ट्स देख सकते हैं गाड़ियों में रैली की सूरत में यहाँ जश्न मना रहे हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लगातार बढ़ोतरी बनाते हुए और एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण जीत हो सकती है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके एल ए कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर से बड़े मार्जिन से कहीं ना कहीं एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की आशंका थी लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो जो है क्लीन स्वीप की और जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये देख सकते हैं जोश कार्यकर्ताओं में लगातार शहर श्रीनगर में इसी तरह का जोश दिख रहा है। गुपकार रोड से महत्वपूर्ण तस्वीरें, 42 सीट्स पर ट्रेंड के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड करते हुए। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त जुड़ रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और साथ में हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी जुड़ रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में भी है, उनके पास चलेंगे। लेकिन अजय आलोक जी मैं आपके पास आ रही हूँ, शुरुआत आपकी प्रतिक्रिया से कि एक तरफ आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, अगर देखें तो हरियाणा में 48 बीजेपी और वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलाकर 48 का आंकड़ा बैठ रहा है, यानी बहुत आंकड़े दिलचस्प हैं। इस जीत पर क्या कहेंगे और जम्मू कश्मीर में जो आप कह रहे थे करिश्मा होगा वो करिश्मा नहीं हो पाया, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले नवरात्र की आपको सबको और आपके दर्शकों को बधाई। आज षष्ठी का दिन है और नवरात्र का समय है तो स्वाभाविक है कि देवी माँ का ये आशीर्वाद हमको मिला है, इसके लिए हम हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जम्मू कश्मीर की भी जनता को ऐतिहासिक बधाई कि उन्होंने 370 हटने के बाद 370 के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई कि 64% मतदान किया और आज जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चाहे विपक्ष में ही सही लेकिन एक मजबूत योगदान होगा क्योंकि हम 29 सीटें जीत के आए हैं।
आप ये देखिए कि नैरेटिव्स क्या क्या चलाए गए, हर तरह के नैरेटिव्स चलाए गए। कोई बीजेपी को 10 सीट, कोई 15 सीट, कोई 20 सीट, 25 सीट ऊपर कोई दे ही नहीं रहा था। सारे एग्जिट पोल हमें आया राम गया राम कह रहे थे, लेकिन हम जीते क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम हमें हराने पर लगा हुआ था, चाहे वो विश्लेषकों का हो, चाहे पत्रकारों का हो, चाहे शिक्षाविदों का हो, चाहे किसी का हो, कि जवान किसान और पहलवान, तमाम तरह के नैरेटिव्स खड़े किए गए, दूसरे के कंधों पर बंदूकें रख के चलाई गई, लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है उसको जानने में कांग्रेस का इकोसिस्टम। मैं आज कांग्रेस को हम लोग नहीं हरा रहे हैं, हम आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ कांग्रेस को नहीं हरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कभी मुकाबले में थी ही नहीं। कांग्रेस को तो दो छत्रप तीसरे छत्रप को सुलाने की तैयारी में थे, कांग्रेस से हमारी लड़ाई ही नहीं थी। इस पूरी लड़ाई में हमारी लड़ाई कांग्रेस के इकोसिस्टम में थी, जो ज़्यादा डेस्परेट थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से हराओ ताकि एक नैरेटिव बन सके देश में, एक नैरेटिव चले। कुछ लोग तो इतने तक एनडीए की सरकार को गिराने की बात करने लगे थे, द सो कॉल्ड फॉर्मर सेफोलॉजिस्ट और विश्लेषक, क्या क्या आप नाम दे सकती हैं उनका अलग अलग फोरम पे। आलोक सर, जो बात अभी आपने टू द पॉइंट की है रितु चौधरी से, उन इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। रितु जी, ये तो साफ कह रहे हैं कि इन्होंने तो आपको चुनावी मैदान में आमने सामने की टक्कर में देखा भी नहीं, और ये आपके अंदरूनी गुटबाजी का ये नतीजा है, और ये जो आपका नरेटिव था कि सिर्फ हराना है उसी का नतीजा है कि आज यहां पर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई। देखिए, पूरे देश में एक लहर चली, उस लहर में ये था कि किस तरह से उन ताकतों को हराया जाए जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहती हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। हरियाणा में जो है, जो किसान था, किसान को जिस तरह से कुचला गया, किसान के रास्ते में कील बिछाए गए, पत्थर बिछाए गए, उनके सिर फोड़े गए, तमाम जो जवान थे, जो हरियाणा में 5,000 जवान जो है वो फौजी बनता था हर साल, जो अब जो संख्या जो है 250 पे पहुंच गई, वो जो बेरोजगारी की जो दर थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हरियाणा जो है पूरी बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर वन हो गया था। जो हमारी पहलवान बेटियों के साथ जंतर मंतर पर हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। इस प्रकार के जो जितनी भी भाजपा के अत्याचार थे वो अत्याचारों से जनता त्रस्त थी, और जनता किसी प्रकार से इनसे जो है पीछा छुड़ाना चाहती थी। जो पूरे देश में एक लहर चली, आपने देखा भी होगा 2019 में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, रितु जी अगर जनता त्रस्त थी, तमाम जो इनका परसेंटेज है लगातार गिरता चला गया। रितु जी अगर जनता त्रस्त थी तो फिर वो नतीजों में क्यों नहीं देखने को मिला? देखिए, वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस प्रकार का परसेप्शन भाजपा के द्वारा घड़ा जाता है। जैसे ही सुबह जो है काउंटिंग शुरू होती है, ये लगातार जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है डेटा नहीं आता है, बहुत स्लो आता है, और 3 घंटे तक लगातार एक ही आंकड़े जो है टीवी पर दिखाए जा रहे हैं लगातार पूरे मीडिया के द्वारा। विनेश फोगाट लगातार जीत रही थी लेकिन उन्हें लगातार जो है हारते हुए दिखाया गया पूरा तमाम सोशल। विनेश फोगाट जीत रही है, वो जो है हार रही है। विनेश फोगाट जुलाना से उस वक्त वो तो जीत रही है, वो उस वक्त भी जीत रही थी। इनके द्वारा जो है सुबह से जो हो रहा है, जो पूरी सर्कमस्टांसेस है, जो पूरे से सुबह से चल रहा है, मैं उसको बता रही हूँ कि किस प्रकार से बीजेपी जो है ये इस प्रकार का जो है भ्रम फैलाने का काम करती है। तमाम तरह के हमारे जो है कैंडिडेट्स का मनोबल चाहे किसी प्रकार से कांग्रेस का जो है। रितु जी, लेकिन आकलन तो करना होगा ना कि नुकसान कहाँ पे हुआ, जहाँ सारे एग्जिट पोल या फिर आपका खुद का अनुमान था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, उम्मीदें कहाँ टूटी, इस बात का आकलन तो करना होगा, डैमेज हुआ कहाँ है कांग्रेस को। लेकिन हमारे भी कहाँ रहा है निधि, एक सवाल, सॉरी टू इंटरप्ट, इस वक्त हमारे साथ अकू सर है और अकू सर के पास वो तमाम डेटा है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से मुकाबला इतना दिलचस्प बना हुआ है उसमें ग्राउंड रियालिटी अकू सर ये भी है कि तमाम ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर जीत का मार्जिन बहुत कम है, ये डेटा, ये पूरा एनालिसिस इस वक्त जो आपके पास है जरा वो शेयर करें। देखिए, मैंने ये जो आंकड़ा छानबीन करके किया है, अभी तक के हिसाब से 26 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में जिसमें जो 5,000 से कम ज़्यादा पर हैं। 26 सीटें का मतलब ये हो गया कि 30% सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में चल रही हैं। तो चाहे उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी 5,000 से कम ज़्यादा पर है, 10 कांग्रेस है, 11 कांग्रेस है, 1 निर्दलीय है और 1 BSP है। तो अब आप इसी से समझ सकती हैं
कि कितना कट टू कट रहा है मामला। अभी बहुत देर तक जो है अम्बाला से अपने अनिल विज जो हैं वो बहुत हार रहे थे, अब फाइनली वो 6,500 वोट से आगे हुए। फतवा में बीजेपी 1223 वोट से आगे हुई है, 850 वोट से बीजेपी होडल में कांग्रेस आगे रही है। इसी तरीके से 3700 में आदमपुर से बीजेपी आगे है, लेकिन सबसे कम वोटों से 951 वोटों फतेहाबाद में दुर्गा सज्जन हैं जो बीजेपी से आगे रहे हैं। और भी ऐसी कई सीटें हैं, अगर आप नाम कहें तो, जिसमें बीजेपी की फतवा है, इंद्री है बीजेपी की, आदमपुर है बीजेपी की, अम्बाला बीजेपी, असंध बीजेपी, अटेली बीएसपी की सर, है। मैं आपको रोक रही हूँ, आपको सर मैं रोक रही हूँ, विनेश फोगाट कुछ बोल रही है, मैं आऊंगी सर आपके पास। उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे, लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, विनेश कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, किसी को पूछने दो एक बार। शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। देखिए लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती, हर फील्ड के लोगों ने हर। तो विनेश फोगाट को आपने सुना, उन्होंने कहा कि खेल को लेकर, उसके उसके हित को लेकर आगे कोशिश जारी रहेगी, लेकिन राजनीति में आ चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। आकू जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं पुष्पेश जी के पास जाऊंगी, जल्दी से अपनी बात कर। मैं ये कह रहा था कि दोनों जो 26 सीटें हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो हैं बहुत नेक टू नेक फाइट में हैं, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इतने आगे तक मामला चल गया है, कई जगह 18 राउंड में से 13-14 राउंड हो चुके हैं, तो कहीं कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बदलाव आने की बहुत ज़्यादा संभावना मुझे नहीं दिख रही है, जबकि 5,000 वोटों से कम है, कुछ तो 900 कुछ वाले पे भी हैं, तो इस लिहाज से अभी नजर रखनी होगी आखिरी वक्त तक सेलिब्रेशन करने के लिए लोगों को। इस वक्त जो रुझान और नतीजों के रूप में आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि नतीजों पर पार्षदों के साथ संवाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा हर चुनाव हर सीट मुश्किल, भगवान साथ है दिखता है, अति आत्मविश्वास में मत रहना, चुनाव जीतना एकमात्र लक्ष्य है। और इस बीच महबूबा मुफ्ती कुछ बोल रही हैं, सीधे रुक करेंगे। इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं अब, क्योंकि लगता था कि अगर मैंडेट कुछ मिक्स्ड होगा, अगर एक तरफा मैंडेट नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सी शरारतें हो सकती थी, बहुत सारी उथल फुथल हो सकती थी, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसको डिफीट करने की बात हो सकती थी। इसलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, स्पेशली पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बहुत जो है सोच समझ के एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट दिया है। फोन टू आस्क एनीथिंग प्लीज। 2014 में 28 सीट जी जी जी, और 2024 में 3 सीट जी जी, क्या 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 7 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है, आपको लोगों की चॉइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट, और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। बशीर असद साहब, सवाल इस लिहाज से आपसे, क्योंकि बीजेपी बार बार यही कहती है कि मोटिव इनका होता है सिर्फ बीजेपी को हटाना, बीजेपी का मुकाबला करना ही एकमात्र इनका मोटिव रहता है। आज के ये नतीजे एक्सेप्ट कर रही हैं अपनी हार को, उनकी बेटी भी एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये नतीजे क्या संकेत और क्या संदेश? बशीर साहब, जहाँ तक महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, वो बार बार ये कहती है कि दिल्ली ने एक साजिश के तहत उनकी पार्टी को तोड़ा,
अगर वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें इस बात में कितनी सच्चाई है, दिल्ली ने कितना तोड़ा। लेकिन एक बात ये भी हकीकत है जो सारे लोगों के सामने है कि उसमें और पीडीपी को तोड़ने में महबूबा मुफ्ती का अहंकार शामिल है, उसका फैमिली फिफडोन शामिल है। उसने एक पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को, जो अपर इलीट्स हैं, उस कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए अपने सारे काडर्स को कुर्बान किया। वहाँ सारे लोग सफोकेटेड फील कर रहे थे, वो उसे भाग निकले। हो सकता है कि दिल्ली ने भी उनको थोड़ा सा किया हो इधर उधर, बट द फैक्ट रिमेन्स कि उसने सारे अपने काडर्स को लूज किया सिर्फ इस प्रिटेक्स के कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहती थी एट द कास्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी। दिस इज वन। टू, जहां तक मैंने सबसे पहले सुबह कहा था कि जो कश्मीर घाटी का इलेक्शन है, कश्मीर घाटी का इलेक्शन लीडरलेस इलेक्शन था। वहां उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहीं पे कंपेन करते नजर नहीं आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके खुद के सीट्स की ज़मीन शायद खिसक रही है और उतना उनके ऊपर शायद फोकस भी नहीं था। सी फारूक साहब को एक ज़माने में हम जम्मू कश्मीर में द मोस्ट करिस्मेटिक लीडर समझते थे, अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स उसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन आज वो कहीं पे दिख नहीं रहा था। जो भी इस वक्त वहाँ पे उपलब्धि इनको मिली है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर मिली है, नंबर वन। नंबर टू, जो परसेप्शन है आप देख लीजिएगा, खुद फारूक साहब बहुत एहतियात कर रहे हैं इश्यूज़ के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बिजली, महंगाई वगैरह वगैरह लोग जानते हैं। नहीं, पर वो ये भी कह रहे हैं बशीर साहब कि वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिसिंग अभी तक चल रही थी हम पुलिसिंग को ठीक करेंगे। ये बहुत बड़ी बात फारूक अब्दुल्ला ने कही। और अजय आलोक, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर्स ऐसे रहे जो कश्मीर में घाटी में आपका उतना आधार नहीं बढ़ पाया जितनी उम्मीद आपको जताई आपको थी, क्योंकि आप लगातार इस पर वर्कआउट कर रहे थे, बीजेपी वर्कआउट कर रही थी, क्या वो दिक्कतें रहीं, फैक्टर्स क्या रहे? नहीं देखिए, कश्मीर घाटी में अभी तक जितनी हमारे पास फीडबैक्स आई हैं, हमारा वोट परसेंटेज, हम कम सीटों पर लड़े 17 सीटें, उसके बावजूद हमारा वोट परसेंटेज 14 के चुनाव के अपेक्षा हमारा वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। घाटी में विश्वास हो रहा है, और जैसे कि हमने पहले के चुनाव में भी देखा है कि कश्मीर वैली और जम्मू बिल्कुल एक अलग अलग लाइन पे अलग अलग दिशा में वोट करते हैं। जम्मू में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है, हम कश्मीर वैली में और जम्मू कश्मीर में अपनी जीत मानते हैं। क्यों, मैं इसको कारण बताता हूँ। 5 अगस्त को जो हुआ, धारा 370 हटाई गई और उसके बाद जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी में इतने लोगों का पार्टिसिपेशन अपने आप में भारत के लोकतंत्र की जीत कहता है, और ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 370 हटाने में बिल्कुल सही था और जनता ने इसे माना। जी, जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व बदलाव, पत्थरबाजी खत्म, आतंकवादी घटनाओं में 80-85% की कमी, LOC पे शांति, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को लोग कितना पसंद करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की पूर्ण बहाली, SC ST का रिजर्वेशन, पंचायत चुनाव करवाना, ये सब तमाम चीज़ें जो लोकतंत्र की जीत है, ये सब नरेंद्र मोदी जी का विजन का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि दूसरे एक संप्रदाय के लोगों को हम समझाने में अभी तक विफल रहे हैं, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। सबसे बड़ी हमारी जीत यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा अपने आप को समझता है और देश के साथ जुड़ने को तैयार है, और ये लोकतंत्र का ये रिजल्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को बिल्कुल मोहर करता है। बिल्कुल, एक चीज और साबित की आप बात यहां पर कर रहे हैं, उसके तहत कुछ इश्यूज के बारे में भी देश के लोगों ने एक बात और कहूंगा, इस नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि इस देश के लोगों ने मोहर लगा दी है कि कांग्रेस से पूंछ पकड़ के ही आगे बढ़ सकती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, NC का पूंछ, समाजवादी पार्टी UP में पूंछ, RJD बिहार में पूंछ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूंछ, हर जगह पूंछ पकड़ के निकल सकती है कांग्रेस पार्टी, तो ये पूंछ पकड़ा पार्टी। इस पर आपसे मैं जवाब जरूर लूंगी, क्योंकि यहां तो अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी का भी इस बारे में बयान आया कि मुकाबला कांग्रेस सीधे तौर पर बिल्कुल नहीं कर पाती है बीजेपी का, तो ये जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं इसको लेकर भी एक्सपर्ट्स के साथ करें बात। उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, और ये उस लिहाज से इस वक्त आपके सामने डिटेल रख रहे हैं जहां हरियाणा में देखिए किसको कितनी सीट, क्योंकि बीजेपी के खाते में 47, कांग्रेस के खाते में 37, JJP+0, INLD+2, आम आदमी पार्टी का भी यहां पर खाता नहीं खुला है, जबकि अन्य के खातों में
चार जा रही हैं। ठीक, हरियाणा की हमने बात की, अब आपको जम्मू कश्मीर का स्टेटस बताते हैं। हरियाणा में ही जो अलग अलग रीजन्स हैं, जाट बहुल जो इलाका है, बीजेपी यहाँ पर 20, कांग्रेस 23, जेजेपी को शून्य, देखिए बहुत बड़ा नुकसान, और INLD को 1, आपको शून्य, अदर्स के खाते में 3 जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जाट की आपने बात की, लेकिन मुस्लिम बहुल्य इलाकों की बात करें तो यहाँ पर देखिए बीजेपी के खाते में 2, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर फेवर नजर आ रहा है 4-7। आंकड़ा देखिए, बाकियों का तो खुल भी नहीं पाया है खाता यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा ये समझना निधि बहुत जरूरी है कि ओबीसी फैक्टर को देखते हुए क्या स्टेटस उस वक्त सामने। ओबीसी बाहुल्य इलाका जो कि बीजेपी 32, कांग्रेस 9, जेजेपी 0, INLD 2, आम आदमी पार्टी 2, आम आदमी पार्टी 0, बहुत नुकसान, अदर्स के खाते में 1। यहाँ पे जो CM भी रहे उनको भी, वो भी ओबीसी बाहुल्य इलाके से ही आते हैं। हालांकि इन तमाम फैक्टर्स के बाद बात पंजाबी बाहुल्य इलाकों की भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी के बहुत फेवर में जा रहे हैं आंकड़े, जहां देखिए 27 में से 17 पर ये कब्जा करने में कामयाब नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 और बाकी का तो खाता ही नहीं खुल पाया, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। जयशंकर सर, सवाल इस लिहाज से, क्योंकि यहां जब कांग्रेस से इसको लेकर सवाल करें तो वो सीधे एक नरेटिव के तौर पर बात कर लेते हैं, क्यों जमीनी हकीकत के साथ अगर आप मैदान पर उतरे हैं तो जनता का विश्वास आप वोट के लिहाज से हासिल नहीं कर पाते, इसको लेकर वो बात करने से कतराते क्यों हैं? नहीं, इसके लिए कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पीछे रह जाती है। उसकी रैलियां अच्छी होती है, उसकी सभाएं अच्छी होती है, उसका जन समर्थन बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट से लेकर के काउंटिंग मैनेजमेंट में वो कहीं ना कहीं कुछ विफल हो जाती है। और दूसरा ये कि देखिए, बात सही है, कांग्रेस को तय करना होगा कि उसको एकला चलो वाली राजनीति करनी है या गठबंधन राजनीति करनी है। आप देखिए कि हरियाणा के चुनाव में मत प्रतिशत लगभग दोनों का बराबर है, बल्कि कांग्रेस का थोड़ा ज़्यादा ही है बीजेपी के मुकाबले। तो अच्छा, सीटें भी जितनी बीजेपी की बढ़ी हैं उतनी ही कांग्रेस की भी बढ़ी हैं। कांग्रेस के 30 थी तो 37 करीब हो गई हैं, 36-37 जो भी कहिए, या कांग्रेस की बीजेपी की 40 थी तो बढ़कर के 47 हो गई हैं, या 48-47 भी चल रहा है, तो उस हिसाब से नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ से है कि एक तो आपको आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को भी 1.5-2% वोट तो वहाँ मिला है। अगर आप मिलकर के चुनाव लड़े होते, कई जगह उसके उम्मीदवारों को 10-15 हज़ार में फायदा नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, जिस हिसाब से डंका पीट के प्रचार किया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से, कुछ नहीं हुआ। पुष्पेश जी, आपसे मैं लूंगी सवाल, उसके बाद प्रतिमा मौजूद है कुछ एनालिसिस के साथ, उनके पास चलेंगे। पुष्पेश जी, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पूंछ पकड़कर हर पार्टी के साथ जुड़ जाती है, उसका खुद का अस्तित्व घटता जा रहा है और यही चुनावों में देखने को मिला, आप क्या कहेंगे? लगता है कि कांग्रेस की आप उसे कमजोरी कहिए या कुछ कहिए, वो संगठन का अभाव है। और इस बार इतनी बुरी तरह ये परिवार विभाजित था कि भांडे हर जगह खड़क रहे थे, वो हुडा साहब हों, शैलजा जी हों, और मुझे लगता है कई एक बार ये ना कि चुस्त फिक्रेबाजी जो है वो कोई दूरदर्शिता नहीं होती है। आप नौजवान पहलवान संविधान ये सब तुकबंदी करते रहिए, मगर आखिर में आप दिल्ली में बैठ कर जो मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो हमारे मित्र जयराम रमेश हों या खेड़ा साहब हों, वो कहीं ना कहीं अपने जुमलों में अगर कहा जाए खुद ही मुग्ध हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि जमीन में कुछ शायद और हो रहा है। संगठन का अभाव सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा और सारा दाम राहुल गांधी पर लगाना कि वही ज्वार उभर रहा है, वो अपने संग सबको उछाल ले जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब ओवरऑल एनालिसिस के लिए चलते मेरे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा के पास। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया सुरभि, इस वक्त मैं डेटा सेंटर में मौजूद हूँ और एक एक आंकड़े एक एक डेटा अपने दर्शकों के सामने रख रहे ताकि वो विस्तार से समझ सकें कि क्या रहे नतीजे इस बार। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर वोट शेयर सबसे पहले समझ लीजिए, वोट शेयर की एक एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। प्रतिशत में अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 25.8%, तो वहीं कांग्रेस प्लस NC का 37.1%, PDP की वोट शेयर की बात करें तो 8.8% और अदर्स 28.3% रहे। यहाँ हरियाणा का रुख कर लेते हैं जल्दी से, आंकड़े प्रतिशत में आपके सामने है। वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी 39.2%, कांग्रेस 40.7%, JJP प्लस 0.8 यानी 1% भी नहीं। INLD की बात करें 6.5, आम आदमी पार्टी 1.6 और अदर्स की बात करें तो 11.2। यहाँ डेटा सेंटर में चुके हम मौजूद है, डेटा मोशाय हमारे साथ मौजूद है और पार्था मैं चाहती हूँ कि आप इसका विश्लेषण करें और हमें बताएं हमारे दर्शकों को, जहाँ तक हरियाणा की बात है तो यहाँ पर रूरल और अर्बन इनमें किस तरीके का रुझान देखने को मिला। ये देखिए, पहले देखिए अभी कितना है 48-37, मतलब अभी जो प्रेजेंट जो नंबर चल रहा है, तो मतलब 9 सीटों में बीजेपी आगे है। ये 9 सीट एक्स्ट्रा आया कहां से, आप समझ रहे हैं? मतलब जो
मैटर किया, ठीक है, ये विन और लॉस में। तो मैंने क्या किया, देखिए अभी मैप व्यू में चला जाएंगे टोटल, तो रूरल सीट्स हम लोग पकड़ लेते हैं। रूरल सीट्स मतलब क्या डेफिनेशन है, जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन मोर देन 60% है, ठीक है। तो ऐसा कितना सीट है, 62, 90 में से 62 ऐसी सीट है जहाँ पर मोर देन 60% रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। अब सीट टैली देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कांग्रेस वॉज एक्सपेक्टिंग बहुत अच्छा करने के लिए, जो रूरल एंगर फार्मर्स एवरीथिंग। अब देखेंगे इधर बीजेपी को देखिए 30 सीट्स आया है पिछली बार के मुकाबले, नहीं, अगर आप 2019 वर्सेस कंपेयर कर लेंगे, तो देखिए अभी प्रेजेंटली 2024 असेंबली का टैली हम लोग क्यों कहां से एक्स्ट्रा सीट आया, तो बीजेपी देखिए इधर एक ही सीट में आ गया, ठीक है, 30-29, ओके। यहां पर कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत अच्छा करने के लिए, ठीक है। बट अगर हम लोग देख लिया जे ऐसे कितना सीट है जहां पर अर्बन पॉपुलेशन आपका ग्रेटर देन 60% है, ओके, ठीक है, तो हरियाणा में ऐसे 20 सीट्स है। और ये देखेंगे ये ज्यादातर साउथ साइड में, अगर आप मैप में देखेंगे ये हरियाणा का जो नीचे पोर्शन है साउथ ऑफ हरियाणा, इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, ओके। और ये जो सीट है आप देखेंगे सीट टैली में, यहाँ पर देखिए मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं, सीधा रोक करना चाहूंगा। जीते जा रहे हैं तो ये अपडेट नहीं हो रहा है बेटा, और कई जगह काउंटिंग की गई है, तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट्स हमसे साथियों से निवेदन है कि आप में डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने सीनियर लीडर हैं, शांत रहो सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक, आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हुई है, 7 राउंड तक आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा, लेकिन हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और लायक समझें, जो कि अगले 5 साल के लिए हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी। तोमर अब्दुल्ला को आपने सुना, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जो कह रहे थे वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, वो कह रहे हैं हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ आपको अभी होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इट्स टू लेट, इट्स टू लेट ऑलरेडी। देखिए 7-8 सीटों के इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका है रिजल्ट्स, ठीक है, नंबर तो अभी चेंज होने वाला नहीं है, क्या मतलब ऐसे बीजेपी घट जाएगा ये हो जाएगा वो चीज नहीं है। तो मैं पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहा था, ये देखिए कितना अर्बन सीट है हरियाणा में, ठीक है, 20 अर्बन सीट है, ठीक है ना। और ये सीट टैली अगर देखेंगे इधर देखिए 14-4, तो देखिए रूरल में कांग्रेस बीजेपी ऑलमोस्ट सेम लेवल में था, यहाँ गैप बहुत बड़ा, ये गैप जो 10 सीट का जो गैप है यहीं पर बीजेपी सरकार बना रहा है, ठीक है। तो बीजेपी ने क्या किया, रूरल इंटैक्ट रख पाया, रूरल में कांग्रेस से कॉम्पीट कर पाया, और अर्बन में देखिए पिछले बार भी देखिए 13-5 था, मतलब अगर 2019 का असेंबली इलेक्शन देखेंगे, अर्बन में उनका वोट होल्ड करके रखा, अर्बन एरिया में मेनली इधर हरियाणा में पंजाबी लोग रहता है, थोड़ा जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो कम्युनिटी रहे। जो आप कह रहे हैं पार्थन वो बहुत क्रूशियल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अर्बन जहां तक सीट्स की बात है तो बीजेपी हमेशा बेहतर परफॉर्म करती आई है, लेकिन रूरल में अगर वो कॉम्पीट भी कर पा रहे हैं उन तमाम मुद्दों के बावजूद जो कांग्रेस जमीन पर लेकर उतरी थी, पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट आप देखेंगे, जो अग्निवीर स्कीम, ये सारे जो चीज है जहां पर रूरल में कांग्रेस सोच रहा था बहुत इंपैक्ट करेगा, और कांग्रेस को जो 62 सीट्स में उसको एक मेजोरिटी 40 का करीब सीट मिल जाएगा, वो होते हुए वो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और तो क्या बीजेपी अर्बन में होल्ड करके रखा है और रूरल में कॉम्पीट कर लिया, तो इसीलिए क्या देखिए बीजेपी को जो एक्स्ट्रा 9-10 सीट का अभी जो मतलब एडिशनल जो फायदा दिखाई दे रहा है वो क्लियरली दिखाई, नफा नुकसान किस तरीके से समझ में आ रहा है, ये पूरी सीट टैली आपके सामने पार्था ने रख दी है।